मैं नलिया गांव से हूँ और मैं अभी रिसेंट में इंडिया बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के लिए रिप्रेजेंट किया मैंने। और जैसे मैंने पहले फुटबॉल से स्टार्ट किया था और अभी धीरे धीरे क्रिकेट में आई। उसके बाद इतना हम मुंबई में रहते हैं अभी, उतना फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया था तभी फुटबॉल से क्रिकेट में थोड़ा एक्सपेंसिव गेम है वो भी, तो उतना मुझे बैटर बनना था, बैटर कीपर, तो अभी बॉलर्स के लिए उतना एक्सपेंस होता नहीं है तो सिर्फ एक शूज़ लगते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे शुरू हो गया जर्नी, और अच्छा है कि बहुत स्ट्रगल जो था वो अभी अगर देखे तो फिर अच्छा लगता है देखने के लिए कि जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है वैसे। और अभी जहाँ देख रही हूँ खुद को, तभी ऐसे मेरे अम्मी अब्बू जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, तो अभी आगे जाके अच्छा हो बस दुआ है उनके साथ में। और जितने भी छोटे बच्चे जिन्होंने क्रिकेट खेलना है उनको बस इतना ही कि मेहनत करते रहना और बस बिलीव करते रहना खुद के ऊपर, और अब आधा काम वही हो जाता है। अभी आप इंडियन महिला क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुए तो आपको कैसा लग रहा है अभी? पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था मेरे को, बट अभी जहाँ धीरे धीरे बिलीव हुआ, जहाँ हमने सारी सीनियर प्लेयर्स से जो इंडियन टीम ऑलरेडी रिप्रेजेंट करते, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदना, जेमिमा रॉड्रिक्स, तो उन लोगों के साथ जैसे हमने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, वो जो एक डर रहता है, एक नर्वसनेस रहती है, वो काफ़ी अच्छी वाली थी, बहुत मज़ा आया वो चीज़ करने। उन्होंने वैसे फील नहीं करवाया कि हम नए लोग हैं, तो वो एक टीम की तरह थे, तो एक एक्सपीरियंस अच्छा था उनको। काफ़ी चीज़ें हमने पूछी, हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की उनके साथ में, और वो बहुत हेल्पफुल है हमें आगे, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस है, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है आगे के लिए। अच्छा, कल ईद है, ईद के लिए आप देशवासियों को कोई संदेश देना चाहोगे? नहीं, मैं तो बस ईद मुबारक कहना चाहूँगी और बस एक दूसरे के लिए बनाए रखे जो अच्छा है, और अच्छा सोचे एक दूसरे के बारे में।